क्रिकेट को भारत में धर्म का दर्जा हासिल है। वहीं सचिन तेंदुलकर दर्शकों के लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। आज के दौर की बात करें तो विराट कोहली दुनिया के सबसे चहेते और कमाई करने वाले क्रिकेटरों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। मौजूदा खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर कोई भी उनके बराबरी का खिलाड़ी नहीं है। देश के करोड़ों युवा विराट को फॉलो करते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उनके स्टाइल सेगमेंट को मानते हैं और भविष्य में उनकी तरह खेलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि विराट कोहली बैंकों का अरबों रुपए खाकर देश से भागे भगोड़े विजय माल्या को फॉलो करते हैं। लगातार शतकों की ओर अग्रसर विराट कोहली को अगला सचिन माना जाता रहा है। कई बड़े प्लेयर्स उनके बारे में कह चुके हैं कि विराट ही इकलौते बल्लेबाज हैं जो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। साथ ही विराट ने अपने खेल के दम पर इस बात को साबित भी किया है। उन्होंने महज 208 वनडे मैच खेलते हुए 35 शतक लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। अगर इसी रफ्तार से वे खेलते रहे तो एक दिन वो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। यही कारण है कि देश की यंग जनरेशन विराट कोहली को अपना आइडल मानती है। बहरहाल विराट के ट्विटर पर 23 मिलियन फॉलोअर हैं। वहीं 52 लोग ऐसे हैं जिन्हें विराट कोहली फॉलो करते हैं। विराट जिन्हें फॉलो करते हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, शेन वॉन, उसेन बोल्ट जैसी हस्तियां शामिल हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब विराट देश छोड़कर भागे भगोड़े विजय माल्या को फॉलो करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विराट को बैंकों का 9000 करोड़ रुपए खाकर देश से चपत हुए विजय माल्या को फॉलो करना चाहिए। गौरतलब है कि विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज न लौटाने का आरोप है, जिन्हें भारत लाने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है। साथ ही सरकार माल्या को भारत लाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर चुकी है।